मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने सामने। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो साथ ही पीएम मोदी से भी सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरकार मणिपुर के मामले पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। सदन के बाहर प्रधानमंत्री बोले, सदन के भीतर रक्षा मंत्री बोले, लेकिन मणिपुर पर विपक्ष के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। पिछले हफ्ते लगातार दो दिनों तक सदन में हंगामा कर चुकी विपक्षी टोली बापू की शरण में पहुंच गई, लेकिन सत्ता पक्ष ने मानो पहले से ही प्लान तय कर लिया था। विपक्षी खेमा जब तक बापू की शरण में पहुंचता, बीजेपी के सांसदों की टोली राजस्थान में दलित अत्याचार को मुद्दा बनाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राजस्थान से लेकर बिहार, बंगाल में जिस तरह की महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्ष के सांसद हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने, चूंकि गांधी प्रतिमा के सामने भी बीजेपी सांसदों का जमावड़ा है, और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया के जो सांसद हैं, वो भी यहां पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के बाहर जो मंजर दिखा, अंदर भी उसका असर साफ दिखा। मणिपुर की घटना को लेकर दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के रवैये से नाराज सभापति एक्शन मोड में आ गए। चेयरमैन ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को चेतावनी दी, तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, टेक योर सीट, यू आर चैलेंजिंग द चेयर, यू आर चैलेंजिंग द चेयर। राज्यसभा में विपक्ष के कड़े तेवर और सभापति के एक्शन के तुरंत बाद संसद भवन में भी पीएम मोदी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष की बैठक हुई। गतिरोध को सुलझाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के साथ मंथन किया। हालांकि अंदर क्या क्या बातें हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर बाद लोकसभा में हाजिर हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में मणिपुर पर चर्चा दो नियमों के बीच अटकी है। विपक्षी दल चाहते हैं कि मणिपुर पर संसद में चर्चा नियम 267 के तहत होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए नियम 176 ही सही है। ऐसे में सवाल है कि इन दोनों नियमों में अंतर क्या है। राज्यसभा की रूल बुक के प्रश्न संख्या 92 में इस बात का जिक्र है कि नियम 267 के तहत सदन में जो चर्चा होगी उसमें सदन के पहले से तय एजेंडे को निलंबित कर दिया जाता है। सार्वजनिक मुद्दे पर बहस के लिए सभी काम को रोक दिया जाता है। इस नियम के तहत अनिश्चित काल तक बहस हो सकती है। चर्चा के बाद मुद्दे पर वोटिंग का भी प्रावधान है। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर व्यापक बहस चाहता है और चर्चा के बाद मतदान के जरिए संसद में इस मुद्दे पर वोटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहता है। लेकिन सत्ता पक्ष आखिर नियम 176 के तहत ही चर्चा क्यों चाहती है? आखिर इसमें किस तरह की चर्चा होगी? राज्यसभा के रूल बुक के मुताबिक नियम 176 के तहत सदन में विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। इसमें सभापति की सहमति से ही सदस्य नोटिस दे सकते हैं। नोटिस के साथ कारण देना जरूरी होता है, तो साथ ही दो सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। सबसे अहम बात यह कि नियम 176 के तहत होने वाली चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा तक नहीं हो सकती। यही नहीं, इसमें वोटिंग भी नहीं होती।
यानी सत्ता पक्ष मणिपुर के मुद्दे पर ढाई घंटे से ज्यादा की चर्चा नहीं चाहता, तो साथ ही साथ वो इस मुद्दे पर वोटिंग से भी बचना चाहता है। यही वजह है कि विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष के नियत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या मणिपुर के सिवा दूसरे राज्यों में महिलाओं से अत्याचार नहीं हो रहे, राजस्थान में दलितों की हालत दयनीय है, इस पर सदन में चर्चा क्यों ना हो। गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। मणिपुर इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है, एक छोटा मोटा इश्यू नहीं है। मॉब रेपिंग, मॉब ये हरासमेंट ये हो गया है, तो इसीलिए इसको जरूरत है कि डिस्कशन की और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं अभी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ, वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या है, ये विषय। ये मांग करने का अधिकार हमारे हैं। जहां सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं, अगर उस समय सदन में आके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद एक सुबह मोटा बयान पेश करे तो आसमान तो टूट नहीं पड़ेगी ना। लेकिन ये मतलब ये आड़े हुए हैं, इस तरह के आड़े पनिया एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृहमंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। गवर्नमेंट का आंख और कान है, उनके बोलने के बाद कम से कम अगर थोड़ी भी संवेदना बची है, लोक लज्जा बची है प्रधानमंत्री जी के मन में, तो वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर। जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं, और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए, और इसको बहुत ज्यादा हो गया, और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जो रोज सुबह से शाम तक 5 बार कहते हैं कि हम देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और मणिपुर में जो घटना हो रही है उसे देश शर्मसार हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी सदन में आके बताइए तो कि मणिपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ, जवाब एक बार स्टेटमेंट तो दीजिए। बात करते हैं मणिपुर की और अपने बैकयार्ड को, अपने खुद के राज्य को टोटली भूल जाते हैं, तो ये उनका दोहरा मापदंड है जो आज मैं आपके सामने उनका भांडा फोड़ता हूँ। राजस्थान जो आज बात कर रहे हैं सभी मणिपुर की, राजस्थान 3 साल से महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 है पूरे देश के अंदर 3 साल से लगातार। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष भी चर्चा को तैयार है, बावजूद इसके सदन में रार ठनी है। सत्ता पक्ष की कोशिश गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुद्दों को भी मणिपुर के साथ नत्थी कर देना है, जबकि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहता है, क्योंकि मणिपुर के हालात बिल्कुल अलग है। मणिपुर उबल रहा है, मणिपुर अब भी सुलग रहा है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और शिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।